तो वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। कितना डरावना लग रहा है ना ऊपर से, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना है मेरे को। लाइक ये पूरा रास्ता कवर करके फिर नीचे से उस बीच पे जाना है। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल ड्रैगन फ्लाई के बाहर नूसा पनीडा इंडोनेशिया में। एक तो पता नहीं आगे लोगों ने बाइकों में साइलेंसर में क्या करवा रखा, इतना शोर इतना शोर। देखो तो आज की जो दिन की शुरुआत हुई है वो अच्छे नोट पर नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे कल स्कूबा डाइविंग करनी थी, लेकिन मैं कल गया तो उन्होंने कहा कि कल पूछने आना, क्योंकि हाई टाइड्स की वजह से अभी पक्का नहीं है होगी या नहीं। तो मैं अभी पता करके आया तो उन्होंने मना कर दिया कि करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और हाई टाइड्स है, जो भी होता है उनका मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो वो कह रहे कि मेंटा बे देखना मुश्किल है, मतलब वहाँ पे स्कूबा डाइविंग नहीं करवाएंगे, और मैं उसी के लिए आया था मेन। तो पूरा मूड ख़राब हो गया था, सुबह सुबह मेरा बाहर निकलने का भी मन नहीं था, पर पैसे खर्च के आया हूँ बोट के, तो भाई घूम ही लेता हूँ। क्लिंगन बीच फेमस है यहाँ का, क्रिस्टल बे वगैरह, तो दो तीन जगह आज घूम लेता हूँ। मूड इतना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इवनिंग तक ठीक हो जाए शायद से। तो अभी मैं निकलता हूँ फटाफट से अपने स्कूटर में, वही जो मैंने एक दिन का 65,000 इंडोनेशियन रुपया में लिया है, यानी कि अराउंड 325 रुपए के। तो यहाँ से मैं पहली लोकेशन जा रहा हूँ क्लिंगन बीच, लगभग 50 मिनट की राइड है। तो निकलता हूँ यहाँ से और वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको। यहाँ पे रास्ते में एक अनऑफिशियल सा पेट्रोल पंप है, मतलब शॉप वालों ने ही लगा रखा है, और यहाँ पेट्रोल मिल रहा है 10,000 इंडोनेशियन रुपया एक लीटर। महंगा मिल रहा है, पर यहाँ पे और कोई ऑफिशियल पेट्रोल पंप है नहीं, और टैंक मेरा खाली हो गया, तो भरवा लेता हूँ मैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, 2 लीटर मेरे ख्याल से यहाँ हो जाएगा 2 लीटर में काम। टू लीटर तो ये कुछ अलग सी मशीन है इनकी, इन्होंने खुद ही बनाई हुई है शायद से। ठीक है, 20,000, थैंक यू। तो 20,000 का 2 लीटर पेट्रोल भरवा लिया, 20,000 इंडोनेशियन रुपये यानी 100 रुपये। 50 का पड़ा, फिर भी ठीक ही है, वहाँ पे 40-45 का है। और अब कंटिन्यू करते हैं अपना बाकी का सफ़र। फाइनली पहुंच गया हूं मैं क्लिंगन बीच 50 मिनट की राइड के बाद। पार्किंग के लिए यहां पे 5,000 इंडोनेशियन रुपया की एक अलग टिकट मिली, और मेरे लिए 1,000 इंडोनेशियन यानी कि 6,000 इंडोनेशियन रुपया देना पड़ा, 30 रुपये के आसपास। तो पार्किंग का ये सीन था। आप चलता हूँ और बीच दिखाता हूँ आपको। यहाँ 10,000 इंडोनेशियन रुपये का भुट्टा लिया, यानी कि 50 रुपये का, और बड़ा मीठा मीठा सा। मोबाइल या स्कूटर या यू हैव अ हैंडफोन या है मोबाइल या इट्स ओके आई टेक या इट्स ओके या थैंक यू। तो अभी मैं मोबाइल भूल गया था अपना फोन यहाँ पे एक्टिवा के आगे, तो इन भैया ने रिटर्न किया। थैंक यू थैंक यू, शुक्र है भाई साहब मिल गया। जैसे ही याद आया मैं भागता भागता आया ऊपर, इसलिए कह रहा था अच्छे लोग हैं इंडोनेशिया के, कोई और होता तो ले लेता, 30-40 हज़ार का फ़ोन है गायब था सीधा, पर मिल गया अच्छी बात है। खैर तो ये है पूरा क्लिंगन बीच वो नीचे जाकर, और यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लगभग 40 मिनट लगेंगे यहाँ से नीचे जाने में, लेकिन एडवेंचर पसंद है तो पक्का आओ, मैं तो जा ही रहा हूँ। खैर नीचे जाना है भाई, इतनी दूर आए अब, और यहाँ आके ना ये व्यू देख के पूरा मूड ठीक हो गया। वैसे तो मैं अपने चैनल पे ज़्यादा सीरियस बातें करता नहीं हूँ, लाइक डीप वाली,
लेकिन आज करने का मन कर रहा है तो नीचे पहुंच के करूंगा। देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ से, वो है पूरा क्लिंगन बीच। चलते हैं, वो बता तो रहे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। कितना टाइम रह गया? अभी तो पास में है, तो ये है वो जो इंडिया से मिले थे और इन्होंने 3 लाख में बुक करवाई थी पहले, मैंने बताया। और वो जो जिन्होंने आपको स्कूटर दिया ना, मैंने 65 में ले लिया। हाँ हाँ, मैं भी 60 में लिया था दो दिन के लिए, 120। हेलो, चलो ये तो ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, बाय। बस पहुंच ही गए, वो रहा थोड़ा सा और। If it's written in the stars, I guess it's really meant to be. Thank you so much. Finally पहुंच गया नीचे बीच पे। वो हाँ भाई साहब, क्या लगी है, क्या रास्ता था। हाँ शिट, क्या गजब व्यू है यार। वो वहाँ से ऊपर से मैं ऐसे 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 और अब यहाँ, और ये पानी, शिट, नो 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 नो। ओके, तो यहाँ पे ये एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पे छोटी पानी की बोतल 25,000 इंडोनेशियन रुपये की मिल रही है, जो वहाँ पे 5,000 इंडोनेशियन रुपये की मिलती है। ठीक है, रेट इतना नीचे चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं होती, तो ये भी मेहनत करके लाते हैं तो डिजर्व करते हैं, खैर। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं जो मैं कह रहा था। यार देखो, लाइफ में ना ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको लेकर हम बैठ जाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, दोस्ती या कुछ भी ऐसी चीज़ें, जबकि हमें उनको लेकर बैठना नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सेम आज मेरे साथ हुआ, मैं मतलब बाली आया इसलिए था कि स्कूबा डाइविंग कर सकूं, लेकिन आज जब पता चला कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो ऐसा लगा कि बस हॉस्टल में बैठा रहता हूं, ना निकलूं बाहर घूमने, ना जाऊं कहीं भी। लेकिन यहां आके रियलाइज़ हुआ कि अगर मान लो मैं ना आता और वहीं पर बैठा रहता तो इतना अच्छा व्यू, इतना जो एडवेंचरस रास्ता मैं ऊपर से कवर करके आया हूं नीचे तक, ये सब मिस हो जाता, और स्कूबा डाइविंग तो हो नहीं पाई, ऊपर से ये भी मिस हो जाता पूरा का पूरा। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, ताकि जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है आप उनको भी मिस ना करो। तो काफी अच्छा बीच है, थोड़ी देर और बैठता हूँ, पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया, लाइक मैं डिस्प्ले पे टच कर रहा हूँ, वो मेरे को फील तो हो रहा है कि डिस्प्ले चल रही है लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ भी, मे बी ब्राइटनेस बहुत कम हो गई है। तो मैंने अपने बैग के अंदर मोबाइल को डाल के यूज करने की कोशिश करी कि अंधेरे में ब्राइटनेस थोड़ी भी होगी तो दिख जाएगी स्क्रीन, बट वही कुछ भी नहीं हुआ, फर्क पड़ा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अब मैं घर पता नहीं हॉस्टल कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैप्स तो मेरे को उसी में से देखने थे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी पहले मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, कम से कम 1 घंटा ऊपर जाने में भी लगेगा, नीचे आने में भी लगभग मेरे को 45 मिनट ही लगे हैं, और ऊपर जाने में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मुश्किल होने वाला है क्योंकि चढ़ाई है, तो 1 घंटा तो लगा ही लो। तो थोड़ी देर चेल करता हूँ यहाँ पे और फिर चलते हैं अपना ऊपर, तो मैं आपको सीधा अब ऊपर ही मिलूंगा, क्योंकि वापस से वही रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं है।
तो फाइनली आ गया हूँ मैं ऊपर, और नीचे से ऊपर आने में लगे वही 45-50 मिनट। रास्ता ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते बारिश आई है इतनी तेज, और जो जितनी भी मिट्टी थी वो सारी फिसलती जा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था। चप्पलें फिसल रही थी, हाथ में चप्पल पकड़ के ऊपर आना पड़ा। और अब ऊपर आके यहाँ पे मैं बैठा हूँ, एक फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया मैंने 25,000 इंडोनेशियन रुपया का, एक पानी की बोतल 10,000 इंडोनेशियन रुपया, लाइक 160-170 रुपए के आसपास पूरा पड़ा है। और मेरा बैग जो है वो पूरा भीग गया था, लेकिन वाटर प्रूफ था बैग, ऊपर से तो बच गया लेकिन नीचे से वाटर प्रूफ नहीं था। तो नीचे जो नोट्स पड़े थे वो सारे भीग गए, मेरी रिटर्न टिकट पड़ी थी यहाँ की जो बोट से वापस जाना है वो भीग गई, अब मैंने सुखाने के लिए टेबल पे चिपका के रखी है, हमारा इंडिया का देसी जुगाड़। इसके अलावा फोन, कैमरा और पावर बैंक बच गए तीनों के तीनों, उसमें पानी नहीं गया शुक्र है, जब ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अगर ये खराब हो जाता तो बहुत बड़ा फटका लग जाता मेरे को। और फोन की जो ब्राइटनेस थी वो अब बढ़ा दी है मैंने, यहाँ पे कमरा था वहाँ पे पूरा अंधेरा था, तो मैंने वहाँ जाके फोन को ऑन करा तो मेरे को स्क्रीन दिख गई और मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी। अब लगभग 4 बज गए हैं शाम के, तो अब सनसेट के लिए निकलना है, थोड़ा सा सूख जाए सब कुछ और मैं भी सूख जाऊँ थोड़ा सा, फिर निकलते हैं यहाँ से सनसेट देखने के लिए। कौन सी जगह थी वो, क्रिस्टल बे करके कुछ था, तो चलते हैं यहाँ से फिर। तो यार मैं आ गया हूँ क्रिस्टल बे, क्लिंगन बीच से क्रिस्टल बे आने में लगे मुझे लगभग 50 मिनट, 1 घंटा ही लगा लो, 1 घंटे में मैं पहुंच गया। और ये जो बीच है ये अपने सनसेट के लिए फेमस है, तो अभी 5 बजे है, 6 बजे के आसपास सनसेट होगा, तो अभी है 1 घंटे के आसपास। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो सिम ली थी वो थी स्मार्ट फ्रेंड कंपनी की, और उसके इस जगह पे या फिर क्लिंगन बीच कहीं पे भी नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक लोकल से पूछा कि क्या फंडा है, तो वो कह रहे यहाँ पे इनके सिग्नल नहीं आते। तो मैंने कहा फिर किस सिम के सिग्नल आते, तो उन्होंने कहा कि एक सिम है टेलकॉम सेल करके जो मैंने आपको बताई भी थी, तो उसके जो नेटवर्क है वो काफी अच्छे है और हर जगह पे आते, छोटी छोटी जगहों पर भी, तो वो ले लेना उस हिसाब से। तो अगर मतलब पूरे बाली में मेरे को दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक क्लिंगन बीच और इस वाले एरिया में आई है इस वाली सिम से, बाकी ये तो सिम अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड है, 4G नेट, 10 GB मैंने लिया था 1,000 रुपए में। तो देख लेना, टेलकॉम सेल ज्यादा अच्छी है, उसके रेट थोड़े से महंगे है पर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। तो अब फटाफट से मैं वेट करता हूँ सनसेट होने का, और सनसेट होने के बाद कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है। सुबह बस ब्रेकफास्ट करके निकला था मैं, ब्रेकफास्ट भी मैंने हॉस्टल में ही वही अपने जो ओनर है उनकी किचन में अंडे और ब्रेड ले लिए थे, बना लिया था खुद ही, सामान ले आया था मैं कल वाली वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद दोपहर को मैंने बस क्लिंगन बीच में वो फ्रूट्स खाए और कुछ नहीं खाया हुआ। तो सनसेट रिकॉर्ड करते हैं और कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू, बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने कुछ खाने के लिए चीज़ें ले ली है जब तक सनसेट नहीं हो रहा, ये कुछ ब्रेड्स व्रेड्स है और नलकी वलकी जो इंडिया में मिलती थी, और एक कोक है। तो पूरी आई है 20,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि अराउंड 100 रुपये का। तो यहाँ बैठता हूँ आराम से और खाता हूँ, सनसेट इन्जॉय करता हूँ फिर। तो हॉस्टल आ चुका हूँ मैं अपने वापस, और नहाने से पहले मैं अपने लॉन्ड्री के कपड़े ले आऊँ जो मैं कल देकर आया था, क्योंकि मेरे पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं है। तो वहीं जा रहा हूँ मैं उस गली में जहाँ पे मैंने कल दिए थे, जिनको नहीं पता कल वाली वीडियो में बताया मैंने 4 किलो कपड़े थे लगभग, और 55,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 250 के आसपास, और एक दिन ले लिया पूरा, और यहाँ पूरा अंधेरा है इसलिए मैं फ़ोन पे फ्लैश चला के चल रहा हूँ। तो कपड़े ले लिया ऐसे बिल्कुल प्रेस प्रेस करके दिया पूरे, और पन्नी में भी है, लेकिन मैं चलूँ कैसे भाई, कैमरा भी पकड़ रखा है। या तो 1,05,000 दिया था मैंने, अब 50,000 वो वापस करेंगे इंडोनेशियन रुपया। और फिर मैं नहाता हूँ फटाफट से और कपड़े चेंज करके कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है बड़ी तेज, पूरी बॉडी में मिट्टी 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 हुई पड़ी है, चिप 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 चिप। तो पहले करता हूँ जाके, थैंक यू सो मच भाई साहब, कैसे चल रहा हूँ मैं। चलो यार मैं नहा धो लेता हूँ पहले आराम से, फिर खाने का जुगाड़ बताता हूँ क्या करा है मैंने आज। तो नहा धो लिया है, अब खाना खाने की बारी। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लाइक मैं यहाँ पे इनकी एक लोकल डिश है नासी गोयांग करके, उसमें क्या ये फ्राइड राइस देते हैं फ्राइड चिकन के साथ, तो मैं वो पैक करवा रहा हूँ 35,000 इंडोनेशियन रुपया की, यानी कि 150-170 रुपए की। और मैं क्या करूंगा उसको वहां ले जाके ओनर की किचन में एग्स ले रखे मैंने, तो स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ मैं राइस को भी फ्राई कर दूंगा साथ में, मतलब एक साथ पका दूंगा और फिर खाऊंगा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट निकलता है, अभी पैक हो रहा है। तो यहाँ पे आया हुआ मैं, जगह का नाम है आइला। तो अभी वो पैक कर रहे हैं, फिर मैं निकलता हूँ सीधा अपने ओनर के घर जहाँ पे उनका किचन है। तो आ गया हूँ मैं ओनर के किचन में, और करते हैं अब अपना काम अंडा बनाने का और फ्राइड राइस के साथ।
मैं आ गया हूँ अपने रूम के बाहर और मेरा हो गया जुगाड़ पूरा डिनर का। सही था ये, और ओनर काफी यार अच्छे है यहाँ के, बनाने दिया अपनी पर्सनल किचन में, उनका घर था वो, ऑयल वॉल यूज करने दिया, नमक यूज करने दिया। तो यहाँ पे मैं वही स्क्रैम्बल्ड एग खा रहा हूँ, और इसके अलावा जो मैं फ्राइड राइस लेकर आया हूँ वो, और एक मैंने पानी की बोतल लिया सामने से, वही 10,000 इंडोनेशियन रुपया की, यानी कि 50 रुपए की बड़ी बोतल। तो ये पूरा दिन निकल जाती है, कल भी मैंने एक ली थी, आज भी एक ले ली। अब मैं खाता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो एडिट करता हूँ, सोता हूँ। कल की वीडियो में मिलता हूँ आपसे, आज के लिए बस इतना ही था। सुबह मूड खराब था, लेकिन बीच पहुंचते ही काफी अच्छा मूड हो गया। और जो बात बताई उसको याद रखना कि कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी होती है और मूव ऑन करना होता है। तो मैं अभी फटाफट से खाता हूँ और फिर अपने काम पे लगता हूँ। बाय। आज के खर्चे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हॉस्टल 1,00,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 500 रुपए। उसके बाद स्कूटर रेंट पे लिया 65,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी 325 रुपए। फिर ग्रोसरीज ली थी कुछ जूस और साबुन वगैरह, 13,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 60 रुपए। उसके बाद पेट्रोल फिल करवाया था 20,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 100 रुपए। फ्रूट्स एंड पानी लिया था 35,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 175 रुपए। फिर क्रिस्टल बे में स्नैक्स खाए थे 20,000 इंडोनेशियन रुपए के, यानी कि 100 रुपए। लॉन्ड्री के पैसे दिए थे 55,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 275 रुपए। उसके बाद रात को फ्राइड राइस लिए थे 35,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 175 रुपए। फिर बोतल ली थी पानी की और अंडे लिए थे 2,20,000 इंडोनेशियन रुपए, यानी कि 100 रुपए। तो टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 3,63,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 1,815 रुपए, 1,800 लगा लो एक दिन का।